हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आप सभी का स्वागत है मनीषास किचन में। तो चलिए फिर आज की ये टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल चाट मसाला की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, चाट मसाला बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट ले लिया, 3 टेबलस्पून व्हाइट सॉल्ट, 10 मैंने सूखी लाल मिर्ची लिया, 4 टेबलस्पून आमचूर पाउडर ले लिया और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ साइट्रिक एसिड ले लिया, इसे नींबू का सत भी बोलते हैं। 1/2 कप मैंने यहाँ जीरा ले लिया, 1/2 कप धनिया ले लिया और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है काली मिर्च, ये गोटा काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हींग ले लिया और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सौंठ पाउडर ले लिया है। बिल्कुल इजीली आप इसको बना सकते हैं, कोई मैंने आपको यहाँ ग्राम्स में मेज़र करके नहीं बताया है, इजीली कप्स में आप मेज़र करके बना सकते हैं। चाट मसाला बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगा। और यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे और पैन गरम हो गया, तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1/2 कप जीरा। इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे, मीडियम फ्लेम पे आप रोस्ट करिएगा बिल्कुल अच्छे से मसालों की सौंधी खुशबू आने तक। और अब मैं यहाँ पे धनिया ऐड कर दूंगी, सूखी लाल मिर्ची, काली मिर्च ऐड कर देंगे और सबको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। आपको इसे जलाना नहीं है, बस इसमें अच्छी सी सौंधी खुशबू आने तक इसको अच्छे से कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो बस मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी, 5 से 7 मिनट में कुक हो जाएगा। तो ये अच्छे से इसमें सौंधी खुशबू आने लगी, अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको पूरा ठंडा होने तक हम वेट करेंगे। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो मैंने यहाँ पे लिया एक ब्लेंडिंग जार और सारा हम यहाँ पे ब्लेंडिंग जार में सारा मिक्सर हम ऐड कर देंगे और इसका बिल्कुल फाइन बना लेंगे हम इसका पाउडर। तो ये देखिए, मसालों का बिल्कुल फाइन पाउडर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया, काला नमक ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून यहाँ डाल दिया हींग और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाला है आमचूर पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साइट्रिक एसिड और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सोट पाउडर और 1 टेबलस्पून अच्छा कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ किया है। और इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे बिल्कुल फाइन। और ये देखिए, मैं एक पैन में इसको सर्व करके आपको दिखा रही हूँ ताकि मसाले भी अच्छे से ठंडे हो जाएं और बहुत ही अच्छे से इसकी भाप निकल जाए। तो ये देखिए कितना सारा हमारा चाट मसाला बनके रेडी हो गया है बिल्कुल मार्केट स्टाइल। आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, इतना टेस्टी बनता है और मार्केट से भी बहुत अच्छा बनेगा, बजट फ्रेंडली भी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल मनीषास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।